आज आम आदमी पार्टी अधिवक्ता प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव संजय पांडे प्रचंड के नेतृत्व में मेरठ बार एसोसिएशन के पूर्व कोषाध्यक्ष ओमकार तोमर की आत्महत्या के पीछे भाजपा विधायक दिनेश खट्टी की संदिग्ध भूमिका की निष्पक्ष जांच हेतु राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से सौंपा गया। इस दौरान प्रदेश महासचिव संजय पांडे प्रचंड ने कहा कि अधिवक्ता साथी को लगातार मानसिक प्रताड़ना देने वाले भाजपा विधायक दिनेश खट्टी पर तत्काल FIR दर्ज कर जेल भेजा जाए, मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए तथा पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए एवं परिवार के किसी सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं दिनेश खट्टी, जिन्होंने मेरठ बार एसोसिएशन के पूर्व कोषाध्यक्ष रहे और वर्तमान में जिला परिषद के महामंत्री रहे ओमकार तोमर जी मेरठ जिला कचहरी से वरिष्ठ अधिवक्ता रहे। उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी के विधायक दिनेश खट्टिक ने एक पारिवारिक मामले को लेकर के दबाव बनाया और इस कदर दबाव बनाया कि मेरठ के वरिष्ठ अधिवक्ता ओमकार तोमर जी को आत्महत्या करनी पड़ी। हमारी ये मांग है कि भारतीय जनता पार्टी से जो विधायक दिनेश खट्टिक हैं इनको तत्काल गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए और साथ ही साथ पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपये मुआवजा दिया जाए, पूरे मामले की किसी स्वतंत्र जाँच एजेंसी से न्यायिक जाँच कराई जाए और पीड़ित परिवार के किसी एक सदस्य को सरकारी सेवा में लिया जाए। परिचय, संजय पांडे प्रचंड, आम आदमी पार्टी अधिवक्ता प्रकोष्ठ प्रदेश महासचिव उत्तर प्रदेश।